हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल पर। फ्रेंड्स, हम जब भी स्वेटर बनाते हैं तो हमारे को आइडिया नहीं होता बच्चे के लिए या कोई बड़ा बड़े के लिए हम स्वेटर बनाते हैं तो हमें आइडिया नहीं होता कितने फंदे डालें, बॉर्डर के बाद कितने फंदे हम बढ़ाएं, कंधे की कढ़ाई कैसे करें, बाजू में कितने फंदे डालें। तो हम अपनी फ्रेंड्स या किसी से पूछते हैं जिसको कि इसके बारे में नॉलेज होती है, तो हम पूछते हैं उनसे, तब हम स्वेटर बनाते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, अब आप अपने आप से ही ये स्वेटर बना सकते हैं। तो मैंने ये चार्ट बनाया हुआ है, तो मैं पहले बताती हूँ आपको। एज 0 से 6 मंथ के लिए आप 60 फंदे डालें, अगर बच्चा हेल्दी है तो 70 फंदे डालें। बॉर्डर के बाद जितना बॉर्डर आपने बनाना है उतना बनाने के बाद आप 70 फंदे तक ले आएँ, यानी 60 फंदे हमने डाले थे तो 70 फंदे हो जाएंगे, 10 फंदे हम बढ़ा लेंगे। अगर बच्चा हेल्दी है तो 70 फंदे डालें बॉर्डर तक, उसके बाद फिर 75 फंदे कर लें। कंधे की कटाई हमारी आएगी 3-2-1 की, उसके बाद फिर बाजू में हमारे 30 फंदे डालेंगे, और जितनी हमने बाजू रखनी है उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग आप ये फंदे बनाएं। जैसे हर 4 सिलाई के बाद दोनों साइड से एक एक फंदा बनाना है, तो टोटल फंदे हमारे यहाँ पे 40 हो जाएंगे, क्योंकि 30 फंदे हमने बाजू में डालने हैं, तो बाजू में हर 4 सिलाई के बाद हम एक एक फंदा बढ़ाकर 40 फंदे हम ले आएंगे, और बाजू की जो कटाई होगी हमारी वो 3-2-1 की होगी। इसी तरह से हम 6 मंथ से लेके 1 साल तक के बच्चे का 65 फंदे लेंगे, जगह अगर आपका बच्चा हेल्दी है तो 75 ले सकते हैं। बॉर्डर के बाद हम 80 फंदे करेंगे, यानी 65 से हम 80 करेंगे, यानी 15 फंदे हमारे बढ़ जाएंगे, और कंधे की कटाई हमारी होगी 4-3-2-1। जो शोल्डर कटाई है वो हमारी 4-3-2-1 की होगी। बाजू के लिए हम 40 फंदे लेंगे और टोटल फंदे हम यहाँ पे 60 कर लेंगे, 60 फंदे करेंगे। हर 4 सिलाई के बाद हम एक एक फंदा बढ़ाते जाएंगे, या फिर आपने जितनी बाजू बनानी है उसके लेंथ के अकॉर्डिंग हम फंदे बढ़ाएंगे, यानी टोटल जो बाजू की कटाई से पहले जो फंदे होंगे वो 60 हो जाएंगे, 60 होने चाहिए, और इसकी जो कटाई है वो 4-3-2-1 की होगी। उसके बाद 1 से 3 साल तक के बच्चे के लिए 80 फंदे डालेंगे हम, बॉर्डर के बाद 85 हो जाएंगे, यानी 5 फंदे हमारे बढ़ जाएंगे। जो शोल्डर की कटाई है, कंधे की कटाई, वो 4-3-2-1 की करेंगे हम। बाजू के लिए 40 फंदे डालेंगे और 45 फंदे हमारे ऊपर आएंगे टोटल लेंथ, यानी 4 सिलाई के बाद बढ़ा लीजिए या अपने जितनी भी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग आप बढ़ाएंगे, और टोटल हमारे 45 फंदे होने चाहिए कटाई से पहले। तो इसकी कटाई करेंगे हम 4-3-2-1 की। फिर 3 से 5 साल के लिए हम 85 फंदे डालेंगे बॉर्डर तक, बॉर्डर बनाने के बाद 90 फंदे हो जाएंगे हमारे, यानी 5 फंदे हम बढ़ा लेंगे, और लेंथ बनाने के बाद फिर हमारी जो कटाई होगी 4-3-2-1 की होगी। फिर उसके बाद बाजू है, बाजू में 40 फंदे लेंगे और टोटल फंदे हमारे कटाई से पहले 50 होने चाहिए, जितनी लेंथ है उतनी बनाएंगे हम, और तो लास्ट में हमारे कटाई से पहले 50 फंदे होंगे, यानी आप चार सिलाई के बाद आप एक एक फंदा बढ़ा सकते हैं, एक एक फंदा बढ़ाइए दोनों साइड से, तो ऊपर जाके हमारे 50 फंदे होने चाहिए। उसके बाद फिर कटाई करेंगे हम 4-3-2-1 की। 5 से 8 साल के लिए 90 फंदे डालेंगे, बॉर्डर के बाद हम 10 फंदे बढ़ा देंगे, टोटल 100 फंदे हो जाएंगे, और लंबाई करने के बाद जितनी लंबाई हमें चाहिए उतनी बनाने के बाद हम शोल्डर की कटाई करेंगे 4-3-2-1 की। उसके बाद बाजू में हम 50 फंदे डालेंगे, फिर हमारा जो लास्ट में हमारे 60 फंदे होने चाहिए बाजू में कटाई से पहले, फिर 4-3-2-1 कटाई होगी इसकी। यानी जैसे हमारी शोल्डर की कटाई है उतनी ही वैसे ही हमने बाजू की कटाई करनी है, क्योंकि जब हम दोनों को जोड़ेंगे, जब हम स्टिच करेंगे तो दोनों बराबर होने चाहिए। 8 से 15 साल के लिए 100 फंदे डालेंगे, फिर बॉर्डर बनाने के बाद 110 फंदे, यानी 10 फंदे बढ़ाएंगे। इसके बाद हम शोल्डर की कटाई, जो दोनों साइड शोल्डर की कटाई करेंगे वो 4-3-2-1 की करेंगे। बाजू में हम 50 फंदे डालेंगे, टोटल फंदे हमारे जो लेंथ में लास्ट में हमारे 60 फंदे होने चाहिए, फिर कटाई करेंगे 4-3-2-1 की।
अब उसके बाद फिर अडल्ट शुरू हो जाता है हमारा, यानी बड़ा छोटा साइज़ शुरू हो जाता है। जैसे स्मॉल साइज़ है, स्मॉल साइज़ में हम 110 फंदे डालेंगे, बॉर्डर के बाद हम 120 फंदे कर लेंगे, यानी 10 फंदे बढ़ा देंगे। यहाँ पे जो कंधे की कटाई है, दोनों साइड शोल्डर की कटाई है, वो 5 4 2 1 की होनी चाहिए हमारी। जो वहाँ पे करेंगे हम 5 4 2 1 की कटाई करेंगे। बाजू में 50 फंदे होंगे और फिर ऊपर टोटल फंदे जो हमारे हो जाएंगे लंबाई करने के बाद, टोटल फंदे हमारे 60 हो जाएंगे। और इसकी कटाई 5 4 2 1 की, बाजू की जो कटाई होगी वो 5 4 2 1 की होगी। साइज़ मीडियम साइज़ में हम 120 फंदे डालेंगे और बॉर्डर के बाद 130 फंदे कर लेंगे, यानी 10 फंदे बढ़ा लेंगे। कटाई फिर 5 4 2 1 की होगी। फिर बाजू में 60 फंदे डालेंगे। लास्ट में जो टोटल फंदे हमारे बाजू बनाने, जैसे जैसे बाजू बनाते जाएंगे तो लास्ट में कटाई से पहले 65 फंदे होंगे। फिर हमारे कटाई होगी 5 4 2 1 की। फिर फ्रेंड जब लास्ट साइज बनाएंगे तो 140 फंदे होंगे। बॉर्डर के बाद हम 160 फंदे कर लेंगे, यानी 20 फंदे बढ़ा लेंगे। और कटाई इसकी जो होगी शोल्डर कटाई, वो 7 5 3 2 1 की करेंगे। बाजू में हम 70 फंदे डालेंगे और टोटल फंदे जो हमारे हो जाएंगे, लेंथ जो टोटल फंदे हमने करने कटाई से पहले 80 होंगे, और इसकी कटाई 7 5 3 2 1 की होगी। मैंने ये आपके साथ पूरा चार्ट शेयर किया है। आशा करती हूँ अब आपको किसी से भी फंदों के बारे में पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।